नमस्कार शिक्षक साथियों, ये क्लास वन की शिक्षक डायरी है जो सप्ताह 16 और दिन 1 का है। यहाँ देखिए, आइए चलते हैं, बात करते हैं भाषा का। यहाँ पर मौखिक विकास में SEL गतिविधि 1, 2, 3 संदर्शिका पेज नंबर 111 पे दिया हुआ है। खेल गतिविधि झोले की वस्तुएं संदर्शिका पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। डिकोडिंग में अ वर्ण की पहचान कर ब्लेंडिंग तथा शब्द का पठनकार किया जाएगा। पठन में पठन अभ्यास 3 कराना है, संदर्शिका पेज नंबर 129 पे दिया हुआ है। और रेमिडियल शिक्षण योजना आकलन के आधार पर सबसे लास्ट में करना है। गणित में शिक्षण उद्देश्य 1 पे कार्य करेंगे। एक अंक की जोड़ वस्तुओं एवं चित्रों के सहायता से एक अंक का जोड़ सिखाया जाएगा। कार्यपत्रक 1 पे कार्य करना है, गणित खेल 1 करवाना है। अब आते हैं, ये देखिए, अगर आप नई संदर्शी का डायरी यूज कर रहे हैं तो उस डायरी में यहाँ पे सेम यही चीज आप ये वाली चीज कंटेंट है आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम और प्रकरण दिया हुआ है वो इसी में लिख देंगे आप इसमें। और यहाँ क्लास और विषय जो अलग अलग कॉलम में दिया था वो एक कॉलम कर दिया है, तो आप इस एक कॉलम में यहीं पर आप भर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ये अंतर कर दिया कि बीच का स्वाकलन ना दे करके पूरा एक पेज दे दिया है और लास्ट में स्वाकलन दिया है। और छुट्टी इसमें डालते थे पुरानी वाली में, नए वाली में बस तिथि यहाँ पर अंकित कर देना है, पेज नहीं छोड़ना है। ये चीज़ का बस विशेष ध्यान दीजिएगा कि नए वाले शिक्षक डायरी में आपको पेज नहीं छोड़ना है, बाकी सेम आप कंटेंट जैसे पहले लिखते थे वैसे आप लिख सकते हैं। अब आते हैं वीक 16 का Day 2। यहाँ पर भाषा में भाषा मौखिक विकास, चित्र देखकर अपनी भाषा में बात करना, चित्र चार्ट पर पाठ पुस्तक पाठ चार तालाब के चित्र पर समृद्ध चर्चा करके सरल प्रश्न पर चर्चा तथा चित्र पर चर्चा। डिकोडिंग में ह वर्ण की पहचान कराकर लेखन शब्द पठन ब्लेंडिंग का अभ्यास कर। यहाँ पर एलोस दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। पठन में अभ्यास 3 का पठन अभ्यास कराया जाएगा, पेज नंबर 129। गणित में जो है शिक्षण उद्देश्य 2 पे कार्य करना है। लर्निंग आउटकम यहाँ पे दिया हुआ है, एक अंक की जोड़ संख्या का वस्तुओं को चित्रों को मिलाकर के सरल शाब्दिक प्रश्न भी करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। और कार्यपत्रक 2 पे कार्य करना है, गणित खेल 2 पे कार्य करना है। अब आते हैं 16 जो है, यहाँ पर देखिए वीक 16 का तीसरा दिन। मौखिक भाषा विकास में पाठ्यपुस्तक कलर में पाठ 3 चित्र तालाब समिति चर्चा करना, प्रश्नोत्तर पूछना। यहाँ एलोस दिए हुए हैं। डिकेडिंग घवन का पहचान तथा लेखन, घवन की पहचान ब्लेंडिंग सब पठन कार्य किया जाएगा। कार्यपुस्तिका पाठ 18 पे कार्य करना है। पठन में पठन अभ्यास 4 कराया जाएगा, कार्य किया जाएगा जो पेज नंबर 129 पे दिया हुआ है। और रेमिडियल का कार्य कराएंगे आकलन के अनुसार। गणित जो है शिक्षण उद्देश्य 3 पे कार्य करना है, एक अंक की संख्याओं का जोड़ कार्यपत्रक 3 और गणित खेल 3 पे कार्य होगा। अब आते हैं 4 सप्ताह संख्या 4 दिन 4 पे, सप्ताह संख्या 16 मौखिक भाषा विकास में SEL गतिविधि हाव भाव, पेज नंबर जो है 111 है संदर्शिका का। खेल गतिविधि करके दिखाओ, पेज नंबर 105। डिकोडिंग है गवर्न का पहचान कराकर ब्लेंडिंग सत पठन वाक पठन अभ्यास कराया जाएगा। कार्यपुस्तिका में पाठ 19 पे कार्य करना है। पठन पठन अभ्यास 4 संदर्शिका का पेज नंबर 129। रेमिटल टीचिंग जो है आकलन के अनुसार। गणित में खोजे और जाने साप्ताहिक उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य पर निर्देशात्मक कार्य का कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वीक 16 Day 5 का है। मौखिक भाषा विकास में मौखिक कहानी पर समृद्ध चर्चा प्रश्नोत्तर कार्य किया जाएगा। डिकोडिंग में साप्ताहिक वर्णों अक्षरों शब्दों की पुनरावृत्ति ग्रिड रेमिडियल शिक्षण आकलन के अनुसार। समेकन और आकलन साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया, पेज नंबर 109 पे किया जाएगा तथा ग्रुप AB में निर्माण करके टीचिंग अगले दिन में की जाएगी। यहाँ देखिए जो वीक 16 था Day 6 में मौखिक भाषा विकास में यहाँ पे एलोस दिए हुए हैं। गणित पोस्टर बरसात पे किया जाएगा, मौखिक बातचीत और चित्र बनवाया जाएगा।
मैंने सीख लिया, मैं आकलन प्रपस से आकलन करके समूह का विभाजन करेंगे। कार पुस्तिका पेज नंबर 45 पर कार करना है और रेमिडियल टीचिंग आकलन के अनुसार करना है। गणित जो है रेमिडियल टीचिंग शिक्षण अभ्यास काल समूह ए पर 50 से कम के साथ रेमिडियल टीचिंग करेंगे और बी के साथ अभ्यास कार कराएंगे। इस तरह सप्ताह 16 का 6वां दिन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।